दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और केएल राहुल को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हार के बाद बौखलाए श्रीलंकाई दिग्गजों ने उगला भारत के खिलाफ जहर। हाँ दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम को 4 विकेट से जीत मिली। इस मुकाबले में मिली भारतीय टीम की जीत के बाद श्रीलंकाई दिग्गज हार को पचा नहीं पाए। श्रीलंका के दिग्गजों ने भारतीय टीम के खिलाफ बयान जारी करते हुए तीखे बोल बोले हैं। अपने बयान में श्रीलंकाई दिग्गजों ने कड़वे शब्दों का उपयोग कर भारत को जमकर धमकाया है और कुछ ऐसी बातें अपने बयान में कही है जिसको सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। तो आखिरकार श्रीलंकाई दिग्गजों ने भारतीय टीम को धमकाते हुए कौन सा जहरीला बयान जारी किया, जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको लगता है इस मुकाबले में भारतीय टीम की जीत के हीरो कौन है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा एक दिवसीय मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम टॉस हार कर पहले गेंदबाजी करने के लिए उतरी, जहां पर भारतीय टीम ने श्रीलंका को 215 रन पर ऑल आउट किया, जिसमें भारतीय टीम की तरफ से कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, तो वहीं मोहम्मद सिराज ने भी 3-3 विकेट हासिल किए। तो वहीं विरोधी टीम की तरफ से फर्नांडो ने सर्वाधिक 50 रन की पारी खेली। लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे ही भारतीय टीम उतरी तो भारतीय टीम की तरफ से किसी भी बल्लेबाज ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन केवल राहुल ने 64 रन की नाबाद पारी खेली। तो वहीं विरोधी टीम की तरफ से कुमारा और करुणा रत्ने ने 2-2 विकेट हासिल किए, लेकिन इस मुकाबले को श्रीलंका नहीं जीत पाया। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 4 विकेट से जीत दर्ज की और सीरीज को 2-0 से अपने नाम किया, जिसमें कुमार संगकारा ने बयान देते हुए कहा है कि इस मुकाबले में भारतीय टीम को बेशक जीत मिल गई हो, लेकिन अगले मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय टीम की तरफ से बिल्कुल भी बेहतरीन क्रिकेट दूसरे मुकाबले में नहीं खेली गई, जो इस बात का प्रमाण देती है कि भारतीय टीम सिर्फ किस्मत के सहारे इस मुकाबले को जीत पाई है। उसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए दूसरे मुकाबले में किसी भी खिलाड़ी का एक तरफा प्रदर्शन नहीं मिला। अगर ऐसे ही चलता रहा तो भारतीय टीम अगले मुकाबले को बड़े आराम से हार जाएगी। इसके अलावा सनत जयसूर्य ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने पहले मुकाबले में दूसरे मुकाबले से और भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन अब तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम को बिल्कुल भी बेहतर प्रदर्शन करने का मौका श्रीलंका की टीम नहीं देगी। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए यह भी कहा कि भारतीय टीम को तीसरे मुकाबले में हार कर तैयारी करनी पड़ेगी। तीसरा मुकाबला भारत के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इस मुकाबले की श्रीलंका की टीम अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लेगी। ऐसे में भारत हार के लिए तैयार रहे। इतना ही नहीं, लसित मयंगा ने बयान देते हुए कहा कि पहले मुकाबले में भारतीय टीम का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला था, लेकिन दूसरे मुकाबले में भारत का एकदम खराब प्रदर्शन देखने को मिला। हालांकि श्रीलंका की टीम ने दोनों मुकाबले में जीत दर्ज की, पूरी कोशिश की, लेकिन मुकाबले को जीत नहीं पाई। ऐसे में तीसरा मुकाबला श्रीलंका की टीम अवश्य जीतेगी। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि तीसरा मुकाबला जीतने में श्रीलंका का रिकॉर्ड बेहतर है और श्रीलंका की टीम अपनी इज्जत से खिलवाड़ नहीं करना चाहेगी। ऐसे में अंतिम मुकाबले में श्रीलंका जीत दर्ज करते हुए भारत को उसकी असली औकात दिखा देगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मुकाबले में श्रीलंका की हार का सबसे बड़ा कारण क्या है? अपनी राय में नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।